ब्रॉट टू यू बाय खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लाभ तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन QR का हिसाब सिंपल हो सककता है। क्या, कैसे? खाता बुक QR से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। नमस्कार, मैं हूँ शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। लगातार सरकार उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है, कोर्ट से उनकी जमानत रद्द हो रही है और एक के बाद एक जांच में आजम खान फंसते जा रहे हैं। दरअसल आजम खान के खिलाफ अब नया मामला SIT की वो रिपोर्ट है जो कि 2018 में शुरू हुई थी। इस SIT में जल निगम में हुई भर्तियों की जाँच की जा रही थी, जिसमें 1000 से ज़्यादा जल निगम में इंजीनियर्स और दूसरे अधिकारियों की भर्ती की गई थी। शुरुआती जांच में यह आरोप लगा कि आजम खान ने तमाम जल निगम के अधिकारियों के साथ मिली भगत करके फर्जी तरीके से भर्ती की है। SIT जांच चल रही थी और आखिरकार अब SIT ने शासन को जो रिपोर्ट दी है उसमें पाया है कि आजम खान इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में दोषी हैं। आजम खान के साथ कुछ और अधिकारी जल निगम में उस वक्त काम करते थे, वो भी दोषी पाए गए हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब शासन को रिपोर्ट भेजी जाने के बाद सरकार को तय करना है कि इसमें आगे कैसे बढ़ना है, लेकिन फिलहाल ये मुसीबत आजम खान के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है। आजम खान पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ पहले से ही जेल में है। दरअसल उन पर जौहर यूनिवर्सिटी में वक्फ की जमीन कब्जाने और जबरन किसानों की जमीनों को हथियाने के आरोप लगे थे। उसके बाद एक के बाद एक 80 से ऊपर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे, उसमें आजम खान को जेल तक जाना पड़ा। हालांकि इसमें से 86 मुकदमों में उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन कई मामले अभी ऐसे पेंडिंग हैं जिनमें आजम खान जेल में हैं। आजम खान के साथ उनकी पत्नी और बेटा भी सीतापुर की जेल में बंद हैं। पत्नी पर भी आरोप है कि उन्होंने धांधली की है, साथ ही साथ अब्दुल्ला आजम पर उम्र छुपाने और हथियार के मामले में भी मुकदमा दर्ज है। इससे पहले अदालत ने अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों की ही जमानत रद्द कर दी थी। यानी हर तरफ से आजम खान के ऊपर इस बीच मुसीबत आन पड़ी है और आजम खान लगातार जेल में हैं और उनके ऊपर तमाम मुकदमे अभी भी चल रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर लगातार आरोप लगाया कि ये राजनीतिक साजिश के तहत एक वरिष्ठ नेता को जेल में भेजने की साजिश की गई है और उनके ऊपर लगाए गए कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाए, फिर भी जबरन उनको जेल भेजा गया है। अखिलेश यादव ने यह भी अपील की कि आजम खान को जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जाना चाहिए, मुकदमे की जांच होनी चाहिए ठीक से, उसके बाद जो भी गलत हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस तरह से लंबे समय तक बुजुर्ग एक नेता को जेल भेजना सियासी ड्रामे के अलावा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव की लगातार शिकायत के बावजूद भी यूपी सरकार ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी कि आजम खान के खिलाफ जाँच पर जाँच चलती रहे और उसी का नतीजा है कि आजम खान पूरे परिवार के साथ जेल में हैं और कई और मामलों में जांच चल रही है। अब इन जांचों का नतीजा क्या होता है और तमाम मुकदमों में उन्हें जमानत आगे भी मिलती है या नहीं मिलती है तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से लगातार आजम खान पत्नी और बच्चे के साथ जेल में हैं उससे एक बात तो साफ है कि बहुत जल्द वो जेल से बाहर नहीं आ पाने वाले। इसके पीछे राजनीतिक साजिश हो या सियासी ड्रामा, लेकिन जो कुछ भी यूपी में हो रहा है वो बेहद हैरान करने वाला है, जिसमें आजम खान सरीखे नेता पर बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, पूरे परिवार को जेल में डाला गया है और साथ ही साथ योगी सरकार का ये भी कहना है कि जो भी आरोपी होगा चाहे वो कितने ही रसूख वाला हो उसको कानून के फंदे में आना ही होगा। बहरहाल आजम खान के ऊपर लगे हुए दर्जनों मुकदमे और उनके खिलाफ SIT की जांच पर ये थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताजा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहे यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।